मनमोहन सिंह का भारत के संसाधनों पर मुस्लिमों वाला पहला हक बताने का जो बयान था वो आपने सुना होगा। लेकिन इस बीच मुस्लिम आरक्षण को लेकर राहुल गांधी का एक पुराना बयान तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो मुलायम सिंह से सवाल पूछ रहे हैं कि सपा की सरकार ने मुस्लिमों को आरक्षण क्यों नहीं दिया। मुस्लिम आरक्षण पर मुलायम सिंह कभी कुछ नहीं करेंगे, ये बयान 2012 का बताया जा रहा है, जिसमें राहुल गांधी ने मुलायम सिंह यादव पर आरक्षण के नाम पर मुसलमानों को बरगलाने का आरोप लगाते हुए कहा था कि अगर वो मुस्लिम आरक्षण के प्रति गंभीर होते तो वो इस दिशा में कदम उठा सकते थे, लेकिन सन्नाटा छा जाता है। जबकि मनमोहन सिंह और कांग्रेस पार्टी खुलकर कहती है कि मुस्लिमों को आरक्षण दिया जाएगा। 2012 का राहुल गांधी का ये बयान आप सुनिए। तीन बार मुख्यमंत्री बने, एक बार आरक्षण के बारे में नहीं बोला। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूछा, भैया आरक्षण के बारे में क्या सोचते हो? सन्नाटा जैसे अभी खड़ा हुआ है, सन्नाटा ऐसे। दो तीन बार पूछा, सन्नाटा। प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पार्टी करती है, मनमोहन सिंह जी खड़े होते, कहते भैया करना है, हम देंगे मुसलमान भाइयों को आरक्षण, देंगे शामिल करेंगे इनको। मुलायम सिंह जी खड़े होते, कहते भैया अगर मैं होता मैं ज्यादा करता। मगर आप थे, तीन बार थे, क्यों नहीं किया? तो राहुल के इसी मुस्लिम आरक्षण वाले बयान को लेकर मोदी ने कांग्रेस को लपेटे में लिया है और कहा कि अगर गलती से भी कांग्रेस सरकार आ गई तो धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। यह मसला लगातार चुनावों में उठता रहा है, मुस्लिम आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री ने किस तरह से कांग्रेस को घेरा है आप सुनिए। सोशल मीडिया पर कांग्रेस के शहजादे का एक वीडियो देखा है, ये बात बड़ी गंभीर है। मैं आप सबसे कहता हूं, मेरी इस बात पर गौर कीजिए। मैं मीडिया वालों को खास कहता हूं, जिन मीडिया वालों ने, जिन इकोसिस्टम ने ये गौर संप्रदायवादी लोगों की चमड़ी बचाने का काम किया है, वो भी जरा कान खुल करके सुन ले। ये वीडियो 11-12 साल पुराना है, ये कांग्रेस के शहजादे का वीडियो है। इस वीडियो में कांग्रेस के शहजादे खुलेआम कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को आरक्षण देगी। एक तरफ उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ये बार बार कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, और दूसरी तरफ रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रहे शहजादे का ताल ठोक कर ये कहना कि कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देगी, यही कांग्रेस की सच्चाई है, जिसे कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम ने बरसों तक देशवासियों के सामने आने नहीं दिया। पिछले दिनों मैंने बहुत सारे टीवी इंटरव्यू दिए। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोला मुस्लिम आरक्षण को लेकर कि धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात कांग्रेस करती है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी मुलायम सिंह से सवाल उस दौरान पूछ रहे थे, 2012 का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आज की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के साथ ही गठबंधन है और मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर से जोर शोर से उठाया जा रहा है। इस पर हम चर्चा भी करेंगे। अमेठी से संवाददाता कनिका हमारे साथ जुड़ गई है क्योंकि पांचवें चरण का मतदान आज चल रहा है और शाम 6 बजे तक जो वोटिंग हुई है उसको लेकर अपडेट कनिका हम तक पहुंचाएंगी। कनिका, कैसा जोश आज देखा गया है, क्योंकि शाम 5 बजे तक का जो आंकड़ा आया उसके मुताबिक लगभग 56% मतदान उत्तर प्रदेश में हुआ है, अमेठी में स्मृति ईरानी की साक दांव पर है। हालांकि ज्यादा चुनौती उनके सामने है नहीं, ये माना जा रहा है केएल शर्मा को लेकर, लेकिन कैसा उत्साह, कैसा जोश आज देखा मतदाताओं के बीच आपने?
देखिए बिल्कुल उत्तर प्रदेश की अपने आप में हॉट सीट अमेठी में आज मतदाताओं ने मतदान दिया है और कहीं ना कहीं आज अमेठी से कौन जीतेगा, किसको अमेठी मिलेगी एक बार फिर से, उसका फैसला यहां के मतदाताओं ने कर लिया है। क्योंकि हम सुबह से लगातार ग्राउंड जीरो पे हैं, तमाम बूथों पे गए हैं। इस बार जो मतदाता के मुद्दे हैं वो अलग मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दों को हमेशा वोटर्स ने प्राथमिकता दी है और यही इस बार का मुद्दा जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन